डीएलएड प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर एवं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम है। इस परिणाम में बहुत सारे घर में आज हर्षोल्लास होगा, लड्डू बट रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे घर में ऐसे विद्यार्थी जो अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाए हैं, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है, उनके घर निराशा का और उस व्यक्ति उस अभ्यर्थी के पास या उस छात्र के अंदर भी निराशा की भावना होगी। सबसे पहले जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे अपने इस सफलता की दहलीज पर जिस तरह चले हैं उस तरह वो अपने मंजिल के शिखर तक इसी तरह बढ़ते रहे। लेकिन जो अभ्यर्थी जो छात्र आज के परीक्षा के परिणाम में सकारात्मक प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिनके अंक सकारात्मक नहीं रहे, भगवान करे वह और आगे जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का माहौल, जो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पास का जो माहौल है उनको आज कितना कचोट रहा होगा ये बस वही समझ सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी विनम्र निवेदन है कि आपके आसपास इस तरह के बालक या बालिका हो, आप उनके मनोबल को ऊपर बढ़ाइए और आप बताइए उन्हें ये छोटी सी असफलताएं उनके जीवन को उनके मंजिल से उन्हें दूर नहीं कर सकती। हो सकता है कहीं ना कहीं ये छोटी सी असफलता उनके जीवन की एक उनकी मंजिल का एक बहुत बड़ा जो कारवां तय करना था उसे और सरल बना दे। क्योंकि आप जानते हैं चीन की एक कहावत है, हजारों मील की लंबी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरुआत होती है। हो सकता है छोटी सी कदम हो, क्योंकि जो व्यक्ति सफल हो गए वो आप पता है कब पढ़ेंगे, जब अगली परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे। लेकिन जो व्यक्ति असफल हुआ है वो लगातार अपनी कमियों को तलाश रहा होगा, वो इस उधेड़बुन में डूबा होगा कि काश मैं भी पास होता, इसलिए वो अब दोगुनी मेहनत के साथ पढ़ेगा। हो सकता है वो पास होता उसके परसेंटेज अच्छे ना होते, उसे बताते समय हो सकता है एक सहज की भावना उसके अंदर ना जागती, लेकिन अब की बार वो मेहनत करेगा और एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। और आप जानते हैं जो वो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा वो भविष्य के लिए वो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी और उसके लिए एक बड़ा खजाने के जैसा होगा। आप जानते हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी मंजिल के लिए निकलता है, जब आप घर से मंजिल की तरफ जाते हैं अगर किसी चौराहे पे ट्रैफिक का जाम हो जाता है तो क्या आप रास्ते बदल देते हैं या क्या करते हैं, कुछ क्षण का इंतजार करते हैं, जाम खुलने के बाद पुनः आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह जब आप जिंदगी की पड़ाव में आगे बढ़ते हैं तो ये जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं इनके जो परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उस चौराहे के जाम की भांति हैं जो आपको मंजिल से जाने से नहीं रोक सकते, किंतु कुछ समय के लिए कुछ क्षण के लिए विचलित कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए आपको लेट कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी मंजिल की तरफ जिस तरह घर से निकले थे मंजिल पूरा करके तभी आप वापस आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जाम के डर की वजह से आप घर वापस आ गए बीच रास्ते से? ऐसा नहीं होता। उसी तरह आज का जो परिणाम है वह भी आपको आपके मंजिल के रास्ते से विचलित तो नहीं कर सकती, यह आपको आपके मंजिल की तरफ आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से मेहनत करेंगे आप अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप दुनिया के जितने भी उदाहरण हैं जिन्होंने इतिहास रचे हैं कहीं न कहीं वो कभी न कभी मात खाए हैं। तो हो सकता है आप किसी अन्य चीजों के लिए बने हो जिसके लिए आप अभी तक आपने सोचा नहीं। क्या ये बोर्ड की परीक्षा या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर 10वीं 12वीं परीक्षा क्या ये निर्णय कर देता है कि आप जिंदगी में असफल हो गए? नहीं, ये रास्ते को पड़ा हुआ कंकड़ है और छोटा सा कांटा है जो आपको कुछ क्षण के लिए विचलित कर सकता है लेकिन आपको मंजिल से पहुंचने से आपको रोक नहीं सकता। छोटा सा विराम, अल्प विराम लगाता है, पूर्ण विराम भी नहीं लगाता। इसलिए अभी भी समय है, आप तैयारी करिए और आप अपने आसपास के जो विद्यार्थी हैं उनके मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि आप ही हम हैं जो उन्हें और ज्यादा निराशा में डुबो रहे हैं। और आपको पता है उनकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी आज के समय में कुछ गलत कार्य कर जाए क्योंकि वो ऐसा करके हो सकता है वो भविष्य का जानते हैं विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स भी हो सकता है। इसलिए आप अपने नजदीक के अपने आसपास के ऐसे बिल गेट्स को ना खोइएगा, आप उन्हें बताइए उन्हें समझाइए कि वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है ना रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। खेत में किसका काम है आपको पता होगा, और रेस में घोड़े दौड़ते हैं जो रेस में विजेता होते हैं वास्तव में वो अच्छे धावक नहीं होते, वो चाबुक की मार से विजयी होते हैं। वो अपने मालिक को इसलिए नहीं विजयी बनाते कि वो एक अच्छे रेसर होते हैं, इसलिए उन्हें चाबुक की मार पड़ती है। आप बताइए जो रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं क्या वास्तव में वो अच्छे धावक होते हैं या उनकी चाबुक की मार उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाती है? उसी तरह आपके लिए भी हो सकता है ये परिणाम बस चाबुक की भांति होगा जो आपको विजयी बनाने के लिए लगातार आपके ऊपर पड़ रहे होंगे। इसलिए आप इस चाबुक की मार खा देंगे तो कहीं ना कहीं आप सफलता और नजदीक आएगी, आप अपने लक्ष्य की तरफ और जल्दी बढ़ेंगे, एक दिन आप भी विजेता बनेंगे। इसलिए आप भी अपने जिंदगी के जो सबसे बेहतर पड़ाव है उस पड़ाव की तरफ चुनिए और आगे बढ़िए। अपने आसपास के जो भी
अभ्यर्थी हो, जो भी छात्र हो, उनको समझाइए कि वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये छोटा सा तो इम्तिहान है, ये जिंदगी के उपलब्धियों का व्याख्या नहीं करता। इसलिए अगर आप समझदार हैं तो इस मेरी बात को अन्य सभी व्यक्तियों तक पहुंचाइएगा। उन सभी अभ्यर्थी अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप जिंदगी में इतिहास रच सकते हैं और इतिहास गवाए इतिहास वही रचे हैं जो पत्थरों की मार खाए। इसलिए आपका ये जो परिणाम है ये कहीं ना कहीं आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जिसकी आपने सोच बना के रखी थी। इसलिए इस छोटे से परिणाम को लेकर आप विचलित मत होइएगा, आप अपनी जिंदगी का बेहतर दीजिएगा और अपने आसपास के जो भी बालक हैं उनको भी समझाइएगा। बस वीडियो लिंक को सभी तक भेजिएगा ताकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निराशा के सागर में डूबे हुए थे, हो सकता है मेरा वीडियो उनके लिए कुछ बेहतर करे और उन्हें इसकी निराशा से उबार दे और आप भी अपनी जिंदगी का बेहतर करिएगा। और साथ ही साथ आप एक छोटा सा प्रण लीजिएगा, अगर आपके परिणाम सकारात्मक नहीं है तो फिर अगली बार आप इसके लिए बेहतर करेंगे। जो अभ्यर्थी सफल हुए थे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने विजय रथ को लगाम ना लगाएं। जिस तरह वो अपने विजय की पथ पर आगे बढ़ रहे हैं इस तरह तब तक बढ़ते रहे जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले, क्योंकि यह उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि अगली बार ताप करना बहुत बड़ी बात नहीं होती जिंदगी में, उस स्थान को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो नीचे वाला आपके ऊपर आ जाएगा, जबकि जो सबसे नीचे है उसका स्थान तो फिक्स है लेकिन आपका स्थान फिक्स नहीं है। अगर आप टॉप किए, अगर आप टॉपर है तो आप अपने स्थान को बरकरार रखिएगा और हर बार इतनी मेहनत इससे दोगुनी मेहनत करेगा ताकि आपका स्थान आपसे कोई छीन ना सके और लगातार भविष्य की ऊंचाइयों पर आप आगे बढ़ते रहिएगा। इसी के साथ मैं आपको पुनः ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े और इस वीडियो को भी अपनी मंजिल की तरफ इसे सभी ग्रुपों में पहुंचा दे ताकि कोई भी व्यक्ति आज के परिणाम से विचलित ना हो और दुगनी मेहनत करे। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत।